सबसे पहला मरहला ये। यहाँ से गन्ना लग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफान, आप देख रहे हैं वीडियो वाला भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पीछे देखिए, मैं गांव में आया हूँ, यहाँ पर बेलना लगाया हुआ है जहाँ पर गुड़ बनाते हैं। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गुड़ किस तरीके से बनाया जाता है। मेरे पीछे देखें आप, कमाद खड़ा हुआ है, ये गन्ने का खेत है, तो खेत के अंदर ही बेलना लगाया हुआ है इन भाइयों ने। तो काफ़ी देर से 3-4 महीने इनका सेटअप यहीं पर रहता है जब गन्ने का सीज़न आता है। तो मेरे पीछे देखें लोग, कुछ लेबर है जो वो कमाद की सिलाई कटाई भी कर रही है। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये बेलना लगा हुआ है, बेलने पर गुड़ किस तरीके से बनाते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ वीडियो में, क्योंकि हमने काफ़ी इंतज़ार किया है, सुबह से बैठे हुए हैं, तकरीबन अब असर का टाइम हो गया है बेलने वालों का, तो तब जाके हमने इसको स्टार्ट करवाया है। तो चलें देखते हैं किस तरीके से गुड़ बनाया जाता है। चलो तुसी सेल्फ मारो, सेल्फ मारो, सबसे पहला मरहला ये। यहाँ से गन्ना लगाएंगे और वहाँ से गन्ने का जूस निकलेगा। यहाँ पर इसको स्टोर गन्ना लगा रहे हैं और इस साइड से खाली गन्ना निकल रहा है और इस साइड से गन्ने का जूस निकल रहा है। सबसे पहला मरहला ये है गुड़ बनाने का। गन्ने का खाली गन्ना निकल रहा है, ये अब लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ईंधन के तौर पर इसको सुखा कर इसका ईंधन जलाएंगे। बाद में इसी को भट्टी के नीचे लगा देंगे वो, और इसमें आग लगेगी। तो पहला मरहला तो ये है, इसको बोलते हैं बेलना। पी भी सकते हैं साफ करके ना, छान कर पिया भी जा सकता है। तो ये बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है ये जूस, गन्ने का जूस। देखें कितनी मिकदार में ये गन्ने का जूस आ रहा है यहाँ।
सबसे पहले वहाँ से रो निकाल कर, जो इसको रो बोलते हैं भाई, जो गन्ने का जूस है इसको रो, वहाँ से लाकर सबसे पहले इसमें स्टोर कर रहे हैं। इससे फिर इस तरफ आएगा ये वाला जो बर्तन है, इसमें डालेंगे। इसमें इसके नीचे वो भाई आग जला रहे हैं, ये धुआं निकल रहा है, ये चिमनी है इसकी। वहाँ से यहाँ पर इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो इसका मैं यहाँ पर इसको अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से पकाने के बाद ये सारा जो मैल देखें, इसका मैल निकाल रहे हैं भाई, ये मैल है जो इसको, इनको ये निकल जाएगा गर्म होकर, ये उबलना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से वो देखें, वो उबल रहा है वहाँ पे। फिर जैसे ही ये पकता पकता कम रह जाएगा, थोड़ा आधे से भी कम रह जाएगा, तो इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखें आप, इसमें इन लोगों ने ये डाला हुआ है, अभी ये गर्म है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो इसको वो खुरपे की मदद से इन लोगों ने गुड़ की, अंकल जी क्या क्या इसमें डालते हैं? रंग काट और सकलाई क्या होता है? भिंडी तोरी। सब्जी डालते हैं? भिंडी होती है कि नहीं? हाँ मेरी आपा खाते हैं। हाँ सकलाई होती है लकड़ी। अच्छा हाँ। उसका क्या फायदा है? सफाई करती है। अच्छा इसमें से मैल वगैरह को अलहदा कर देगी? मैल वगैरह काटती है। सही, ये दो चीजें डालते हैं बस, इसको पकाए जाना। इधर डब्बियां लग जाएंगी यहाँ से पका कर। ये इनके पास दो जगह पर सेटअप किया हुआ है, एक वो वाला सेटअप है, एक ये वाला सेटअप है। तो वहाँ से अलहदा बना रहे हैं, यहाँ से अलहदा, दो भट्टियाँ चल रही हैं। ये एक जगह ये अंकल आग लगा रहे हैं, एक जगह वो भाई आग लगा रहे हैं नीचे। तो ये अब यहाँ पर, अब ये इसमें डाला हुआ, इसका गुड़ बनना है अभी, ये गर्म है। तो ये जैसे ही ठंडा हो रहा है तो इसको ये भाई गुड़ बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें डालने के बाद कितनी देर में ठंडा हो जाता है? आधा घंटा। अगर धूप ना निकले फिर तो आपका काम बंद हो जाता होगा, है ना? क्योंकि ये लकड़ी वगैरह आपकी गीली हो जाती होगी। सही, अंकल की भी हिम्मत है, धुएं में बैठकर आग जला रहे हैं, सिगरेट पी जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। ये भट्टी है इसकी, दो भट्टियां हैं, डबल सेटअप है ना, एक भट्टी ये है और एक ये है। ये भाई इसको ठंडा कर रहे हैं, हिला कर, ताकि इसमें से इसको हवा लगे और ये जल्दी ठंडा हो जाए। अभी हमारा बच्चे को भेजा हुआ है घर से, वो ना एक बर्तन वगैरह वो देखे लेकर आया, बर्तन वगैरह लेकर आया और छानने के लिए छन्नी वगैरह लेकर आया। तो अब हम गन्ने का जूस पियेंगे, ये किस तरह का होता है इसको एंजॉय करेंगे। गन्ना खाया तो बहुत दफ़ा है, लेकिन जो उसका जूस है वो बहुत कम पिया। ये इमरान साहब है मेरे कज़न, देखा होगा आपने पहले भी।
हम भी कला कला ही पी जा रहे हैं। चलो जी पियो। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बड़ा शुरू। ये महल वाला पानी पी रहे हो? ये गले का जूस है। दोबारा से उन लोगों ने रो डाल दी है, अब इसको फिर से इसके नीचे आग लगाएंगे। इमरान भाई देखें आग लगाना, वो बाबा जी कहीं गए हुए हैं तो इमरान भाई खुद बैठ गए आग जलाने के लिए। अब ये हो गया ठंडा, फिर ये भाई इसको तरीके से बना रहे हैं। इस तरीके से बनता है फाइनली गुड़। और शहर में जो हमें गुड़ मिलता है उसका हम नहीं बता सकते आपको वो उसमें क्या क्या मिलाया होता है भाई। ये तो बनने का बनता है और तकरीबन खालिश है, इससे खालिश तो ये रंग कार्ड वगैरह डालना तो इनकी मजबूरी, फिर इससे इसका वो कह रहे थे कि रंग नहीं बनता, ब्लैक कलर का रह जाता है गुड़ है ना जो, तो उसको निखारने के लिए इसमें रंग कार्ड डाला जाता है। तो ये फाइनल प्रोसीजर था इसका, यहाँ पर इसका एंड है। अब ये गुड़ 10 मिनट में गुड़ ये खुश्क हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर ये तैयार है, इसको गाड़ी में लोड करके शहर भेज दिया जाएगा सेल करने के लिए मंडी वगैरह। जैसे कि ये देखें ये तैयार है, ये कम ही डाल रहे हैं इसे हमने पता किया है। गुड़ में बहुत ज़्यादा केमिकल डलते हैं। मेरे पीछे देखें, जैसा कि आपने बाकी की तमाम वीडियो में पूरी वीडियो में देखा है आपने गुड़ किस तरीके से बनाते हैं, ये जैनवन तरीका है गुड़ बनाने का। तो पहले इंजन की जगह पर जानवरों को इस्तेमाल किया जाता था, बैल वगैरह को लगाया जाता था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का दौर है तो इंजन वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने एंजॉय की होगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि गुड़ किस तरीके से बनाया जाता है। हमारे आज की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल वीडियो वाला भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।